एनडीए के तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। विधानसभा में एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। जेडीयू के तरफ से खीरू महतो तो बीजेपी के उम्मीदवार शंभु शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने नामांकन भरा है। और इस दौरान एनडीए की एकजुटता की तस्वीर देखने को मिली। और इस दौरान सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता एक साथ दिखे। आपको बता दें कि जेडीयू ने आरसीपी सिंह का टिकट काटकर झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया था, तो वही बीजेपी ने शंभु शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे को टिकट दिया है। तो एनडीए के तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि एकजुटता देखने को मिली नामांकन के दौरान। विधानसभा में एनडीए के तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे, नेता कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो अभी तो टेनियर केंद्र में और कोई मंत्री बनेगा? सब लोग आगे वो आगे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे या सिंबॉलिक ही रहेगा? सब तो आगे की चीज है, और कोई जरूरत है किसी को मांगने की? वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको उतर के। तो एनडीए के तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा में एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। जेडीयू की तरफ से खीरू महतो को बीजेपी के उम्मीदवार शंभु शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने नामांकन भरा। और इस दौरान एनडीए के एकजुटता की तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता एक साथ दिखे। आपको बता दें कि जेडीयू ने आरसीपी सिंह का टिकट काटकर झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। कैसा लगा? देखिए, नीतीश कुमार का फैसला अपने बहुत बड़ा ये है कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिए हैं जो 40 वर्षों से हम लोग रहा, लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश नीतीश जी के साथ में हम लोग रहा, लोक दल से जनता पार्टी, समता पार्टी, लोक दल और अब यहाँ जदयू में है। यह बहुत बड़ा सम्मान मिला है। इस सम्मान को माननीय ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो सम्मान दिए हमको, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ऐसे ललन सिंह उर्फ राजू सिंह ने जो सम्मान दिया है, अपने आप को उदाहरण है। और झारखंड में ये कल से ही पटाखा फूट रहा है और वहाँ दल और संगठन इतना मजबूत होगा, कहना नहीं, आने वाला समय बताएगा। आप वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अभी झारखंड में बिल्कुल नील है जदयू। क्या करेंगे अब, इसका क्या असर दिखेगा? जदयू तो नील नहीं है, हम जब 6 महीना से आए जदयू उफान में बढ़ा है, लेकिन जो कमी बेसी है इस बार पूरा हो जाएगा। और हमारे माननीय है सो मंत्री है सो ग्रामीण विकास मंत्री सरवन जी प्रभारी के रूप में मेरे साथ हैं, हम दोनों भाई मिलकर संगठन को बहुत मजबूती की ओर ले जाए। प्रभारी सरवन कुमार हैं, बिहार से हैं जी, खीरू महतो राज्यसभा सदस्य हैं, झारखंड से हैं, बिहार में भी आपका वोट बैंक है जी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने वोट को समीकरण नहीं देखते हुए भी आपको उम्मीदवारी दी है। लगता है कि दोनों राज्य कभी एक ही हुआ करता? दोनों राज्य के लोग इतना खुशी है, पटाखा फोड़ रहे हैं कि दोनों राज्य के लोग, एक झारखंड और बिहार दोनों एक सेतु का काम करेगा और उफान में पार्टी बढ़ेगी। अब कि ऐसा बिहार से राज्यसभा हमको भेजा गया है, ये कम बड़ी खुशी ने, और आज़ादी के बाद आज तक किसी ने नहीं किया था। जनता दल यूनाइटेड पहला बार ये काम किया है, लेकिन और एक कार्यकर्ता को टिकट। झारखंड की एक बड़ी पार्टी रही है, झारखंड में जो भी पार्टी अध्यक्ष हुए हैं राज्यसभा में जा रहे हैं, खीरू महतो कभी कल्पना की थी कि हम जदयू का प्रदेश अध्यक्ष होंगे और राज्यसभा चले जाएंगे? कभी कल्पना नहीं की थे, लेकिन पार्टी ने हमें यह जवाब दे दिया है और हमें बनाने का काम किया राज्यसभा, इसलिए पूरे बिहार के
सभी ऐसे MLA MP बिहार प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी और बिहार के JDU के सभी लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि यह काम है सो सचमुच में ये बिहार और झारखंड को पाटने के लिए काम किया है जो एक अपने आप में एक ऐसे अचंभा वाला काम हुआ है। नीतीश कुमार ने अपने सबसे पुराने साथी RCP सिंह जो केंद्र में मंत्री है उनका टिकट काट करके खीरो महतो को टिकट किसी का नहीं कटा है, कोई नाम उनका जोड़ा था मेरा काटा ऐसा बात नहीं, पार्टी का फैसला सर्वमान्य है। आप RCP सिंह भी हमारे नेता हैं पार्टी के, वो रहेंगे साथ में, रहेंगे साथ में काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये है खीरो महतो, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है इन्होंने। राज्यसभा की उम्मीदवारी देकर के काफ़ी गदगद हैं, इनको खुद भी भरोसा नहीं था कि ये राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने रांची से दिल्ली का सफ़र इनका तय कर दिया है और अब खीरू महतो के लिए दिल्ली दूर नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।